आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। देखो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल तीन तरीके का होता है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड एंड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड को कैसे यूज किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड कंट्रोल मेथड को समझाने के लिए मैं जो यहाँ पर जो मोटर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है डीसी शंट मोटर। अब डीसी शंट मोटर में आपको पता है जो आर्मेचर और जो फील्ड कॉइल है दोनों पैरेलली कनेक्ट होता है। अगर मैं आर्मेचर में 220 वोल्टेज डीसी में सप्लाई दूंगा तो ऑलरेडी उसके साथ फील्ड कॉइल कनेक्टेड है पैरेलली, तो उसी के साथ फील्ड कॉइल में भी 220 वोल्ट का सप्लाई चला जाएगा। लेकिन आर्मेचर के अंदर से डिफरेंट करंट फ्लो होगा एंड फील्ड कॉइल के अंदर से डिफरेंट करंट फ्लो होगा, क्योंकि उस दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब किसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका पता हम कैसे लगाएं? उसका फॉर्मूला है I=V/R। पहले हम फील्ड कॉइल का जो करंट है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ सब कुछ एक एग्जाम्पल है आपको सिर्फ समझाने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं फील्ड कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है 110 ओम और सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज, तो करंट कितना फ्लो होना चाहिए 2 एम्पियर। अब यहाँ पर से जितना करंट फ्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। करंट जितना बढ़ेगा फ्लक्स भी उतना ही बढ़ेगा, करंट अगर घट जाएगा तो फ्लक्स यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फील्ड कॉइल फिक्स है, तो अगर फील्ड कॉइल फिक्स होगा एंड वोल्टेज भी हम फिक्स करके रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से फील्ड कॉइल के अंदर से कांस्टेंट एक करंट फ्लो होगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, ये चीज़ दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब फील्ड कॉइल की बात छोड़ देते हैं, अब डायरेक्ट बात करते हैं हम आर्मेचर की। अब आर्मेचर के साथ हमने यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प का जो रेजिस्टेंस है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो हम 10 ओम से लेकर 100 ओम तक वेरी कर सकते हैं। अब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर के साथ हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब कोई भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब करंट कितना फ्लो होना चाहिए, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लो 2 ओम है एंड जो आपका वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अभी 12 ओम है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 12 ओम अगर टोटल रेजिस्टेंस होगा तो इसके अंदर से करंट कितना फ्लो होना चाहिए, 18.33 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। अगर इतना एम्पियर करंट इस आर्मेचर के अंदर से फ्लो होगा तो क्या इसका कॉइल बचेगा, ये कॉइल जल जाएगा। लेकिन इतना करंट फ्लो नहीं होता, वो करंट क्यों फ्लो नहीं होता, उसका जवाब है बैक ईएमएफ। इसके अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब बैक ईएमएफ का निकालने के लिए फॉर्मूला है EB=ΦZNP/60×A। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे बैक ईएमएफ क्या है, लेकिन ए इसके अंदर प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज को बैक ईएमएफ क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को ऑपोज कर देता है एंड उसी की वजह से आर्मेचर के अंदर के जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही कम फ्लो होता है। तो हम यहाँ पर बैक ईएमएफ मान लेते हैं 210 वोल्टेज बैक ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को ऑपोज करेगा, ठीक है। 220 वोल्टेज हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया और 210 वोल्टेज जो है वो बैक ईएमएफ, तो टोटल वोल्टेज कितना बचता है 10 वोल्टेज। अब इस 10 वोल्टेज को डिवाइड करेंगे हम 12 ओम से, क्योंकि हमें करंट निकालना है। तो I=V/R, तो 10 वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाई 12 ओम, 10 वोल्टेज डिवाइडेड बाई 12 ओम, तो कितना करंट फ्लो रहा है, 0.83 एम्पियर करंट यहाँ पर से फ्लो होगा। अब 0.83 एम्पियर करंट अगर आर्मेचर से फ्लो हो रहा है, अब मान लो अब 0.83 करंट जैसे इस मोटर से फ्लो हो गए, इस मोटर चलना स्टार्ट कर देगा। अब मोटर का स्पीड मान लो अभी है 1000 RPM, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर्मेचर के साथ, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है 10 ओम से लेकर 100 ओम तक वेरी हो सकता है, उस रेजिस्टेंस को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब जैसे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है उसे हम जैसे ही धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जितना हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आर्मेचर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका करंट डिक्रीज हो जाएगा, आर्मेचर का जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आर्मेचर से करंट फ्लो ही नहीं होगा तो आर्मेचर घूमेगा, इसीलिए इसका स्पीड धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा।
यही है मेथड आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इसी को कहते हैं। इसी की हेल्प से आर्मेचर को स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड कंट्रोल मेथड को कैसे यूज किया जाता है, और उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड को कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।